हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अब नेक्स्ट जो है हम क्लास उस टिक थी इसको स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑस्टिकथीस। ठीक है, ऑस्टीन मीन बोन, इकथीस मीन फिशेस आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एट लीस्ट सम बोन इन देयर स्केलेटन। इनके स्केलेटन में बोन होगी, ठीक है, एंड स्केल्स, और स्केल्स होंगे इनकी बॉडी पे। बोनी ओपरकुलम होगा जो कि कवर कर रहा होगा गिल की ओपनिंग्स को, ठीक है। बोनी ओपरकुलम होगा जो कि गिल की ओपनिंग को कवर कर रहा होगा, और लंग्स होंगे या फिर स्विम ब्लैडर होगा, ठीक है। तो बोनी ओपरकुलम है, लंग्स हैं, ठीक है, और स्विम ब्लैडर है। एनी ग्रुप दैट हैज़ एटलीस्ट 20,000 स्पीशी एंड इज मेजर लाइफ फॉर्म इन मोस्ट ऑफ द अर्थस वास्ट एक्वेटिक हैबिटेट मस्ट बी जज्ड वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव। अब कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी 20,000 स्पीशी है और उसकी मेजर लाइफ फॉर्म है अर्थ के वास्ट एक्वेटिक हैबिटेट में, उसके बारे में हम तो भाई यही जज कर सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है वह एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव, एवोल्यूशनरी नुक्ता नज़र से। तो इस बारे में हमने क्या देखा कि इनके अंदर बोनी फिशेस आ जाती हैं, ठीक है, बोनी ओपरकुलम होगा, लंग्स होंगे, स्विम ब्लैडर होगा, और जिनकी 20,000 स्पीशी और फिर वो मेजर हों, मतलब कि मेजर अर्थ के एक्वेटिक पार्ट के अंदर, तो वो एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सक्सेसफुल होगी एक लिहाज से। द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ बोनी फिशेज आर फ्रॉम लेट सिलोरियन डिपोजिट। जो पहले फॉसिल थे ना बोनी फिशेज के, वो सिलोरियन डिपोजिट पे थे, जखायर में थे सिलोरियन के 405 मिलियन साल पहले। बाय द डिमोनियन पीरियड, डिमोनियन पीरियड में 350 मिलियन साल पहले, द टू सब क्लासेस वर इन द मिड सेट ऑफ देयर अडेप्टिव रेडिएशन। डिमोनियन पीरियड तक दो सब क्लासेस मिड सेट में थी, मतलब सेंटर में थी अडेप्टिव रेडिएशंस के। मेंबर जो हैं सब क्लास सार्कोटेरिगी के, ठीक है, सार्क मीन फ्लैशी, ये तो पहले सेमेस्टर में भी सार्क के मीनिंग पढ़ कर आए हैं। पेरिक्स मीन फिन, मतलब इनके फ्लैशी फिन्स होंगे। इनके मस्कुलर लोब्स हैं और मस्कुलर लोब्स के ऊपर फिन्स हैं, और लंग्स को ये इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इनके मतलब के मस्कुलर लोब्स हैं इनके फिन्स के साथ, तो इनके फ्लैशी फिन्स के साथ मस्कुलर लोब्स हैं, और लिंग्स को गैशेस लंग्स को सॉरी गैशेस एक्सचेंज में इस्तेमाल करते हैं। एक ग्रुप जो है सार्को टेरिगियंस का, वो लंग फिशेस हैं। सिर्फ 3 जेनरा जो हैं इसके सर्वाइव कर रहे हैं, और ये सारे जो है रीजन में रहते हैं जहाँ पे मौसमी मतलब कि वो कहत सा जो आ जाता है, खुश्क साली आ जाती है, ड्राई इन्वायरमेंट हो जाता है, वो कॉमन है। जब फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर जो हैं वो गंदे होने शुरू हो गए, वो ड्राई होने शुरू हो गए, तो इन्होंने लंग्स को इस्तेमाल किया सांस लेने के लिए, मतलब हवा की ब्रीथिंग के लिए। कुछ जैसा कि नेक्रोटोडस, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो नेक्रोटोडस ये क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। ये मतलब कि जो स्टेगनेशन है इसे कैसे बर्दाश्त, इसमें कैसे सरवाइव करते हैं, मतलब गंदा पानी इसमें कैसे सरवाइव करेंगे, एयर की ब्रीथिंग से। लेकिन ये नॉर्मली अपने गिल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते खुश्की को, ठीक है। और दूसरे जो है फ्रेश वाटर रिवर में पाए जाते हैं और लेक्स में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, जैसा कि रोटोटेरस, और ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में जैसा कि पीडोसीरियन, ये सरवाइव कर सकते हैं, ये जो है सरवाइव कर सकते हैं जब दरिया और नहर सूख रहे होंगे खोदने के ज़रिए से मड में, ठीक है। और ये नैरो एयर पाथवे को ओपन रखते हैं, जो एक तंग सा रास्ता होता है हवा का, उसे ओपन रखेंगे बबलिंग के ज़रिए से। हवा के मतलब हवा के बुलबुले बनेंगे सतह के ऊपर, और सबस्ट्रेट के ड्राई होने के बाद भी जो एविडेंस है लंग फिश बरो का, वो स्मॉल ओपनिंग जो है इसका जो सबूत होगा लंग फिश बरो का, वो क्या होगा कि अर्थ के अंदर जो है वो छोटा सा सुराख कर लेगी। लंग फिशेस जो हैं वो एस्टिवेशन में रह सकती हैं,
6 से उससे ज़्यादा महीने तक। एस्टिमेशन एक डोरमेंट स्टेट है जो कि एनिमल को मतलब कि बहुत ड्राई पीरियड गुजारने में मदद करेगी। उस दौरान उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, मतलब एक लिहाज से एनिमल वो स्लिपी ही रहेगा। जब दोबारा से बारिश होगी, ठीक है, और वो भर देगी नहरों को, तो जो लंग फिशेस हैं वो अपनी बरोस से बाहर आएंगी और वो फीड करेंगी और रिप्रोड्यूस करेंगी। जो दूसरा ग्रुप है सार्कोटेरिकियंस का, वो कुलेकंस हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट रिसेंट कुलेकन फोसल हैं वो 70 मिलियन साल पहले 1938 में, ताहम पीपल जो कि मतलब कि मछलियों का शिकार कर रहे थे डीप वाटर में साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उन्होंने एक फ़िश पकड़ी जो कि जिसको उन्होंने कुलेकंथ कहा। उस वक्त से बहुत से दूसरे स्पेसीमैन जो हैं पकड़े गए हैं डीप वाटर में, कोमोरो आइलैंड में, मेडगासर के, और जो डिस्कवरी है फिश की लेटी मेरिया कैलमनी, ठीक है, लेटी मेरिया कैलमनी, वो एक मज़बूत मतलब के इवेंट है, माइलस्टोन इवेंट है, क्योंकि लेट मेरिया जो है ये गालबन ये क्लोजेस्ट लिविंग फिश है, ठीक है, जो कि ट्रस्टियल वर्टेब्रेट से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट लिविंग फिश है जो कि मतलब कि खुश्की वाले इलाकों में, मतलब कि खुश्की वाले इलाकों में रहने वाले वर्टेब्रेट यानी कि ट्रस्टियल वर्टेब्रेट से ताल्लुक़ रखती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ लार्ज अप टू 80 kg, ये बड़ी होती है, 80 kg तक होगा इसका मैस, एंड हैज़ हैवी स्केल्स, और इसके बॉडी पे हैवी स्केल्स होंगे। एंशियंट कोलकैथन्स लिव्ड इन फ्रेश वाटर लेक्स, जो पुराने कोलकैथन्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स में रहते थे। जेंसिस्टन और जेंसिस्टर हैं लेट मेरिया के, वो फ्रेश वाटर हैबिटेट से डीप सी की तरफ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ग्रुप है सार्कोटेरिगियंस का, जिसे ऑस्टियो लेपिफॉर्म कहते हैं। तो ये जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए पैलिजोइक पीरियड से पहले ही, इन्हें जो है एंसेस्टर कहा जाता है एंसियंट एम्फीबियन के, जो पुराने एम्फीबियन थे इन्हें उनके एंसेस्टर कहा जाता है। एम्फीबियन जो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, जो सब क्लास एक्टिनो टेरिगी है, ठीक है, एक्टमीन रे पेरिस मीन फिश, इसके अंदर फिशेस आ जाती हैं जिन्हें बाज़ूकात हम रे फिंट फिशेस कहते हैं, क्योंकि उनके जो फिन्स हैं उनके अंदर मस्कुलर लोब नहीं होंगे। इनके अंदर स्विम ब्लैडर हैं, गैस फिल्ड सैक्स है, डोर्सल वाल के अलोंग बॉडी कैविटी के, जो कि बॉयंसी को रेगुलेट करेगा। जोलॉजिस्ट को अभी इस बात का एहसास हुआ है कि बहुत से पॉइंट्स जो हैं डाइवर्जेंस के एवोल्यूशन में एक्टिनोप्टेरिगी के, कि एक्टिनोप्टेरिगी की जो एवोल्यूशन हुई इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हुई। एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है एक्टिनोप्टेरिगी को दो इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड करता है। एक ग्रुप जो है एक्टिनोप्टेरिगियंस का, जिसे कॉन्ड्रोस्टीन्स कह रही हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत से स्पीशी आ जाती हैं जो कि परमियन ट्रैसिक और जुरैसिक पीरियड के दौरान रहते थे, और सिर्फ 25 स्पीशी जो हैं उसकी आज जिंदा हैं, ठीक है। और ये 215 से 210 120 मिलियन साल पहले था। जो एंसेस्ट्रल कॉन्ड्रोस्टीन्स हैं उनका बॉडी बोनी स्केलेटन था, लेकिन लिविंग मेंबर जिनके अंदर स्टर्जन्स और पैडल फिशेज आ जाती हैं, इनके अंदर कार्टिलेजीनियस स्केलेटन है इनका, लेकिन अब जो है उसके सिर्फ 25 स्पीशी आजकल रह गई हैं। एंसेस्ट्रल कॉन्डक्टिन्स का बोनी स्केलेटन था, लेकिन इसके जो लिविंग मेंबर हैं, ठीक है, जिनमें स्टर्जन आ जाते हैं, पेडल फिश आ जाते हैं, इनका कार्टिलेजीनियस स्केलेटन है। कॉन्डक्टिशियंस जो हैं इनकी टेल है जिसका ऊपर की तरफ लोब है। बहुत से स्टर्जियन जो हैं वो सी में रहते हैं,
और वो माइग्रेट कर जाती हैं रिवर में ब्रीडिंग के लिए। कुछ स्टर्जियन जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं लेकिन मेंटेन करते हैं माइग्रेटरी हैबिट को अपनी मेराइन रिलेटिव की, ठीक है, मतलब अपने मेराइन वाले रिलेटिव की तरह उनके अंदर माइग्रेशन वाली हैबिट नहीं जाती फ्रेश वाटर में रहने की इंस्टेंट। ये लार्ज होते हैं और इनका मैस 1000 kg तक होता है और बोनी प्लेट इनके इंटीरियर पोर्शन को कवर कर रही होती हैं, हैवी स्केल्स होती हैं इनकी टेल को कवर कर रही होती हैं। इनका जो माउथ होता है वो स्मॉल होता है और इनके जॉस जो हैं वीक्स होते हैं। स्टर्जियन जो हैं ये इनवर्टेब्रेट खाएंगे जिसे वो सी से लेंगे या फिर रिवर बेड से लेंगे अपनी स्नाउट्स के ज़रिए से, ठीक है, स्नाउट्स कहती हैं सूंड की तरह की जो सॉफ्ट होती है। और चूंकि स्टर्जियन जो हैं ये अपने एग्स के लिए इन्हें बहुत अहमियत की दी जाती है, कैवियर जिन्हें कहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा शिकार जो है किया जाता है स्टर्जियन का इनके एग्स के लिए। पैडल फिशेस जो हैं ये लार्ज हैं, फ्रेश वाटर कॉन्ट्रेस्टियंस हैं और इनका लार्ज पैडल लाइक रोस्ट्रम होता है, ठीक है, इनकी बॉडी पैडल लाइक रोस्ट्रम होगी जिसके ऊपर सेंसरी ऑर्गन होंगे जो कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेंगे। और ये पानी में स्विम करेंगी, अपना बड़ा सा मुंह खोल के फिल्टर करेगी क्रस्टेशियंस को और स्मॉल फिशेस को उन्हें खा लेगी। ये नहरों में पाए जाते हैं और लार्ज रिवर में, मिसिपी रिवर बेसन के, और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और चाइना में भी। जो सेकंड ग्रुप है एक्टिनो टेरिजियंस नियो टेरिगी, वो जुरासिक पीरियड में आए और इन्होंने सक्सीड किया बहुत से कॉन्ड्रेस्टियंस को, दो बहुत प्राइमेटिव जेंड्रा जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं वार्म फ्रेश वाटर में नॉर्थ अमेरिका के, लेपिस्टियस गार्प लाइक, इसके थिक स्केल हैं, लॉन्ग जॉस हैं जिसका ये इस्तेमाल करता है फिशेस को पकड़ने के लिए। और एमिया जो है इसे डॉग फिश या बोफिन कहते हैं, ठीक है, एमिया को। बहुत सी लिविंग फिशेस जो है मेंबर हैं इस ग्रुप की डॉग फिशेस की और इन्हें टोलियोस्टस या मॉडर्न बोनी फिशेस कहा जाता है। इनकी सिमेट्रिकल कॉडल फिन है, स्विम ब्लैडर है जिसका कनेक्शन इनके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अब ख़त्म हो चुका है। इनकी डाइवर्जेंस के बाद एंसियंट मेराइन एक्टेरो एक्टिनो टेरिगियन से लेट ट्रायसिक पीरियड में जो टोलिस्ट हैं इन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा बहुत मशहूर डाइवर्सिफिकेशन हुई है एवोल्यूशनरी लिहाज से। और ये हर अवेलेबल इक्वेटिक हैबिटेट में, जो इक्वेटिक हैबिटेट इन्हें अवेलेबल है उसमें जो हैं ये पाई जाती हैं, ये एक्टिनो टेरिकियंस, ठीक है। जो नंबर है टीलोसेट स्पीशी का वो 20,000 से भी मतलब कि अब एक्सीड कर गया है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्टिनो टेरिगी कॉन्ट्रैक्ट थी 18.13 में ये फिशेस किस तरह से हैं, कॉडल फिन्स हैं इनके, ठीक है, ये ए में दिखाई गई है, बी में दिखाई गई है और सी में दिखाई गई है। तो ये थी हमारे पास क्लास ऑस्टिक थीस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।